नमस्कार, कोरोना योग एपिसोड 37 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे चंद्रवेदी प्राणायाम। बहुत साधारण, बहुत प्रभावकारी और बहुत लाभकारी प्राणायाम है चंद्रवेदी प्राणायाम। पहले इस शब्द के ऊपर ध्यान देंगे, चंद्रवेदी क्यों इसका नाम रखा गया। चंद्रवेदी का अर्थ है चंद्र नाड़ी को भेदने वाला प्राणायाम। चंद्र नाड़ी हमारे रीढ़ के मध्य सुषुम्ना नाड़ी के साथ बाईं ओर स्थित है। यह नाड़ी मूलाधार चक्र से शुरू होकर के सभी चक्रों को विपरीत दिशा से भेदती हुई आज्ञा चक्र तक जाती है। आज्ञा चक्र में जाकर बाईं ओर यह आज्ञा चक्र के साथ जाकर के सुषुम्ना नाड़ी से मिलती है और अपना विलय उसमें कर देती है। इसे ठंडी नाड़ी कहा गया है, इसे ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। और जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, चंद्रवेदी प्राणायाम का, तो बायां स्वर हमारे इस नाड़ी से अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगता है, अर्थात यह नाड़ी सक्रिय होने लगती है। और जब यह नाड़ी सक्रिय होती है तो दो विशेष प्रभाव हमारे को मिलते हैं, एक तो मन शांत होता है, दूसरा शरीर को शीतलता मिलती है। इस प्राणायाम को करने की पहले विधि समझेंगे, फिर इसके लाभ और निषेधों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम किसी एक स्थिर आसन में बैठते हैं। पद्मासन बहुत ही श्रेष्ठ आसन माना गया है। अगर उस आसन में बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या चिन मुद्रा में रखें। रीढ़, गर्दन, सिर एकदम सीधा और एक सीध में। आपको अकड़ के नहीं बैठना है, झुक करके नहीं बैठना है, सामान्य बैठना है। आंखें कोमलता से बंद कर लें, शरीर को थोड़ा शिथिल होने दें। प्राणायाम करने से पहले हमेशा इस नियम का हमें पालन करना चाहिए। दाएं हाथ से हम प्राणायाम की मुद्रा बनाते हैं, पहले दो उंगलियों को मोड़कर अंगूठे की गद्दी पर लगा दें, बाकी दोनों उंगलियों को आपस में मिला अंगूठा और अनामिका को आप अपनी नासिका के दाएं और बाएं ओर इस प्रकार स्पर्श करवाएं कि उनकी टिप्स नासिका की हड्डी को स्पर्श कर जाए। पश्चात बाईं ओर से श्वास को भीतर भरें। पूरा श्वास भरने पर तीनों बंध भी लगा दें आंतरिक कुंभक में। श्वास को भीतर रोकना है और फिर तीनों बंद लगाने हैं। बंधों को खोलते हुए दाईं ओर से धीरे धीरे गहरा श्वास बाहर निकालें। दाईं ओर से श्वास को भरना नहीं है, अंगूठे को वापस लगाएं और फिर बाईं ओर से श्वास को भीतर भरें। श्वास को पूरा भीतर भरने पर आप फिर उसी प्रकार त्रिबंध लगाएं। त्रिबंध लगाते समय आप नाभि पर थोड़ा हल्का सा दबाव बनाएं, मूलबंध लगा रहेगा, और ठोड़ी को आप कॉलर बोन के साथ, हंसली के साथ स्पर्श करा दें। रुकें यथाशक्ति यहां पर। जब ना रुक पाए तो बंधों को खोलते हुए धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दें। बहुत सिंपल है, बाएं से श्वास भरना, रोकना और दाएं से निकालना। जब हम श्वास को रोकते हैं तो उस वक्त हम तीनों बंधों को भी लगाते हैं। यह हुआ चंद्रभेदी प्राणायाम, शरीर को ठंडक देने वाला प्राणायाम। इसलिए इसे ठंडी के मौसम में नहीं करना, इस बात की सावधानी आप बरतेंगे। जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको जो अस्थमा के रोगी हैं, जो हृदय रोगी हैं, उनके लिए श्वास रोकना हानिकारक है। अतः वह कुंभक की स्थिति ना लगाएं, केवल बाईं ओर से श्वास भरें और दाईं ओर से निकालते जाएं, उनके लिए वह भी लाभकारी रहेगा। बाकी सभी कर सकते हैं इस प्राणायाम को। जिनको पित्त ज़्यादा बनता है, जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है, जिनको पसीना ज़्यादा आता है, जिनको भूख ज़्यादा लगती है, जिनको बार बार लूज मोशन लगते हैं, जिनको फोड़े फुंसी होते हैं, उनके लिए यह प्राणायाम बेहद, ये कहिए कि प्रभावकारी और लाभकारी प्राणायाम है। यह प्राणायाम शरीर को तो ठंडक देते ही देता है, ये मन को शांत करता है। यह प्राणायाम बुद्धि को तीव्र बनाता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। इसलिए कहा गया है कि जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनके लिए प्राणायाम बहुत सुंदर है। शिक्षक जो पढ़ाने का काम करते हैं,
या जिनका दिमागी कार्य है, जो मानसिक कार्य है जिनका है, उनके लिए यह प्राणायाम बहुत अच्छा है। और वो लोग जो कि रात को जिनको नींद कम आती है या अनिद्रा के रोगी हैं, उनके लिए भी चंद्रवेदी प्राणायाम एक रामबाण का काम करता है। अतः आप मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को शीतल करने के लिए, शरीर को ठंडक देने के लिए, गर्मियों के मौसम में तो इसको खूब प्राणायाम इसका अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका मन भी अच्छा होगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद।